वाह सामने वाला फर्स्ट टाइम देखो यार सामने भाई लोग बॉस क्राउड देखो यार, मतलब पूरा दवाई वाला क्राउड भाई। अरे बाप रे बाप एकदम बोलो अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो ऐसे देख सकते हो यार, यहाँ पे है डनलॉप ट्रैफिक गार्ड, मतलब बैरकपुर पुलिस का एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे ऑफिस है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे मैं रुका था, रास्ते में एक भैया था जिनको लिप चाहिए था, जो कि पुलिस वाला था, तो मैंने उनको थोड़ा बहुत लिप दिया, तो भैया भी उतर गए। तो उस टाइम पे मेरे हेलमेट में कैमरा नहीं लगा हुआ था गाइस, कल था सैटरडे, आप सबको पता है मैं कहाँ पे गया था, सॉल्ट लेक पे गया था मैं। वहाँ पे एक मोटो इवेंट चल रहा था, उस इवेंट को अटेंड करने के लिए गया था। कल सैटरडे था तो वहाँ पे सारा सुपर बाइक्स आया था, आज संडे तो वहाँ पे सारा सुपर कार्स आएगा, लाइक लैम्बो फरारी वगैरह ये सब। सो आज फिर से यार मॉर्निंग राइड है, तो मैं कोलाघाट जा रहा हूँ अभी, तो बहुत मस्ती होगा गाइस। और ये लेके मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ कोलाघाट पे, तो चलते हैं गाइस, आई होप कि बहुत ज़्यादा मस्ती होगा उस टाइम पे। सो गाइस ये आ चुका है हाईवे, और यहाँ से अपना फाड़ना स्टार्ट गाइस, तो चलो यार लेट्स गो। भाई ओ भाई किधर है, किधर है सुपर बाइक, किधर है भाई, किधर है, किधर है, आप उनको दिख नहीं रहा है भाई। अभी जो ठंड है ना गाइस, पूरा सही है ठंड भाई, मतलब ये टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है राइड के लिए, मतलब बहुत मजा आ रहा है अभी फिलहाल। ओ गाइस थोड़ा हाथ ठंडा ठंडा हो रहा है यार, राइड का वो मजा गाइस अलग भाई, अलग सच बता रहा हूँ गाइस अलग। और ये देखे गाइस सबसे बड़ा मुझे मजा आता है गाइस, ये संडे राइड पे ना बहुत, मतलब हर संडे पे यार बहुत छोटे छोटे भाई लोग यार रास्ते के इधर उधर खड़ा रहता है यार बाइक्स को देखने के लिए यार, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ यार, एक बॉयज के लिए बाइक एक बहुत बड़ा इमोशन है यार, तो यार बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। देख सकते हो यार, मतलब कितना खूबसूरत व्यू है यार सुबह सुबह, पूरा मज़ा आ रहा है भाई राइड करके, राइड तो यार ऐसे ही होना चाहिए भाई। और अभी से यार छोटे छोटे भाई लोग रास्ते के साइड पे वाइप करना स्टार्ट कर दिए भाई, और गाइस यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग हैं यार, और गाइस मतलब मैंने इसके पिछले वाले ब्लॉग में भी कहा था, मतलब अभी तक मैंने जितने भी सारा हाईवे पर राइड किया है सबसे फेवरेट मेरा यही हाईवे है यार NH6, गजब एक्सपीरियंस, क्योंकि हाईवे जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा स्मूथ है यार, पूरा नीट एंड क्लीन है यार, यहाँ पे आप आसानी से बाइक को स्पीड अप कर सकते हो, बिंदास आकर चाहो तो विली विली सब कुछ मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हैवी ट्रैफिक नहीं रहता है। और सबसे मेन चीज़ इस रास्ते पर यार गड्ढे बिल्कुल भी नहीं है यार, बहुत स्मूथ मक्खन रास्ता एकदम। तो ऊपर से ये 3 लेन हाईवे है, तो आप कभी भी मतलब चाहो तो स्पीड अप कर सकते हो,
देख सकते हो सामने उतना ट्रैफिक नहीं है, आप स्पीड अप कर सकते हो। लाइक देखो अभी तो ऐसे इशू नहीं है, मतलब आप बिंदास पूरा दिल खोल के चला सकते हो हाईवे पे। मैं अभी फिलहाल पहुंच चुका हूँ यार, ये है कोलाघाट टोल, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूँ। और यहाँ से अभी बहुत दूर जाना है यार मुझे, मतलब बहुत लाइक अभी अप्रॉक्सली 35 से 40 किलोमीटर अभी राइड करना है, जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली। एक्सीडेंट के डर से ना ज़्यादा स्पीड अप नहीं करता हूँ, मतलब स्पीड अप का मतलब है 150, 140 ये सब स्पीड मैं नहीं पकड़ता हूँ, कि बहुत रिस्क हो जाता है भाई, स्पेशली R15 पे। अगर सुपर बाइक होता तो डेफिनेटली मैं करता, लेकिन यार R15 पे बहुत बड़ा रिस्क है ये, तो इसी वजह से नॉर्मल जाएंगे गाइस। 80-90 के स्पीड से एवरेजली 100 का मेंटेन करके चलेंगे अभी। तो यार चलो यार चलते हैं, वो ये सब बेरो चे सुपर बाइक। हाँ की वीडियो करब हमें, तुम ही करो वीडियो। हो गए अच्छा थैंक यू। बाप रे बाप, भाई भाई लोग कैसा कहता है, दादा पिकअप दो, दादा पिकअप दो, दादा सामने का टायर उठा दो यार, बर्न आउट मारो यार। ओ भाई सामने भाई लोग, बॉस क्राउड देखो यार, मतलब पूरा दवाई वाला क्राउड भाई। अरे बाप रे बाप, अरे अरे क्या बना जो चलो सबाई क्या बना जो भालो तो चलो अरे बाप रे बाप भाई भाई सब आ गया अरे बाप रे बाप, सामने भी कितना भाई है भाई देखो ये बच्ची भी है, एकदम 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 बोलो বাবা রে বাবা, এ বাপ রে বাপ, এ পড়ে যাবো পড়ে যাবো। আরে এই তো এই তো এই তো হাত মেলাচ্ছি, এই তো হাত মেলাচ্ছি বাবা। ও ভাই ক্যা ক্রেজিয়েস্ট রিয়েকশন মিলতা হয় না ইয়াহ পে আকে, और ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, मतलब कितना सारा भाई यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है गाइस यहाँ पे। सच बता रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छा लगता है मतलब ऐसे राइड पे आके, और इतने सारे भाई लोग यार प्यार करते हैं यार, सच बता रहा हूँ गाइस, ये कम नहीं है गाइस। सच बता रहा हूँ गाइस, ये लोग ऐसे रास्ते के साइड पे खड़ा होते हैं, और मतलब जितने भी सारे बाइकर हैं ना, हर एक बाइकर को स्पेशल फील करवाते हैं भाई। और ये देखो दो और भाई यार पूरा एकदम, अरे यार रोकने को बोल रहा है भाई, अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सुपर बाइक तो दिख गया भाई। अरे बाप रे बाप, कितना सारा भाई लोग है भाई। वाह सामने वाला फर्स्ट टाइम, देखो यार
क्या गजब का रिएक्शन मिला गाइस आज, मतलब मिलता है लेकिन आज कुछ ज्यादा ही था भाई। अरे देखो यार छोटे छोटे भाई लोग। अरे बाप रे बाप। हर एक पॉइंट पे यार कोई ना कोई भाई लोग जरूर होता है भाई, फोटो खींचने के लिए वीडियो बनाने के लिए भाई। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ कोलाघाट ब्रिज पे, और सामने का खूबसूरत नज़ारा, वो नज़ारा जो मैंने इसके पिछले 3-4 वीडियो पे ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था भाई, मतलब सच बताओ तो बहुत गजब लगता है भाई। और मुझे पता नहीं था कि ये नीचे गंगा नदी है यार, मतलब बहुत बहुत लाइक अलग फील होता है यहाँ पे राइड करके, कि भूख काफ़ी ज़्यादा लगा यार मेरे को।